समझ में आया? पालर पानी तो जो धरती की सतह पर है, ठीक है, यानी तालाब में, कुएं, बावड़ी में, और पाताल पानी जो बहुत गहरे नीचे कुओं से प्राप्त पानी है। पाताल पानी धरती के अंदर जो मौजूद है, और रेजाणी पानी कौन सा है? जो इन दोनों के मध्य खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर तक है, उसे कहते हैं रेजाणी पानी। तो यहां तक समझ में आ गया चैप्टर आपको? पेज नंबर 14 पे आओ, मुझे बताओ अब तक जो पढ़ा वो समझ में आ रहा है या नहीं? अब तक जो पढ़ा वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, उसके बाद देखो पेज नंबर 14 पे, इस विशिष्ट रेजाणी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। यानी कि धरती के अंदर सूखे हुए इस पानी को इकट्ठा करके फिर उस पानी को प्राप्त करना अपने आप में एक विशेष कला है। और 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। कहने का मतलब, 4-5 हाथ व्यास की, यानी कि कम घेरे की लेकिन बहुत गहरी कुई खोदने वाले जो चेजारो हैं, ये वास्तव में बहुत कुशलता और सावधानी से कुई को खोदते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। अब कुई तो खोद ली, मिट्टी खोद ली, कुई गड्ढा खोद लिया गहरा, लेकिन अब उसकी चिनाई करना ये अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ काम है। क्योंकि अगर अगर चिनाई नहीं की, मतलब रोका नहीं गया, तो क्या होगा? वो तो पानी जो मिट्टी धस जाएगी और गड्ढा अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये जो चिनाई का श्रेष्ठतम काम, ये कुई का प्राण है। अच्छा, आपने इधर देखा होगा, आपने जहां पर सिविल लाइन नहीं होती, तो वहां पे ये सिविल लाइन नहीं है तो क्या करते हैं? तो कुइयां खोदते हैं ना, ताकि ये टॉयलेट का और ये किचन का पानी वगैरह जो सड़क पर ना बहे। तो उसके लिए हमारे यहाँ भी छोटी छोटी कुइयां खुदवाते हैं ना अपन भी, लेकिन ये कुइयां के अंदर हम लोग फरमा डलवाते हैं, सीमेंट के गोल गोल घेरे, देखे होंगे आप, सीमेंट के गोल गोल घेरे से जिनमें छेद होते हैं वो इनमें डालते हैं, ताकि ये कुई जो है वो धसे नहीं, है ना, पक्की रहे। तो इस तरीके से ये कुइयां तो हमने सुनी है, लेकिन ये तो वेस्ट पानी को धरती में समाने के लिए बनाई जाती है, तभी उनमें होल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उसी तरीके की कुई खोदी जाती है कम घेरे की, लेकिन पीने के पानी को स्टोर करने के लिए। तो इनकी चिनाई विशेष ढंग से होती है, चिनाई समझ रहे ना, कुएं के अंदर अंदर प्लास्टर। अब वो किस तरीके से करते हैं वो देखो, क्योंकि चिनाई का जो काम है यही मुख्य काम है, ये कुई का प्राण है। अगर आपने ये ढंग से नहीं किया तो कुई बंद हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है, और इतना मुश्किल काम है कि अगर जरा सी गलती भी तो खुद बेचारा कुई खोदने वाला उसमें दफन भी हो सकता है। मिट्टी ढहने लग गई, ध्यान नहीं दिया, तो बेचारा दब के मर भी जाएगा अंदर। और आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके नहीं, धसे नहीं। तो जब खुदाई पूरी हो जाती है तो सारा काम रोक के फिर ये लोग चिनाई का काम करते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो धसे नहीं, ठीक है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहां से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का ये काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। यानी कि जितना गहरा खोदता जाएगा चेलवांजी, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो उसकी गर्मी पहले भी आ चुका है ये चीज की, ऊपर से जो खड़ा व्यक्ति है वो मुट्ठी भर के मिट्टी जोर से नीचे फेंकता है, जिससे क्या होता है कि बता रहे हैं कि रेत की जो हवा, गर्म हवा है, वो तो मिट्टी के टीलों तक को उड़ा ले जाती है। तो फिर कम गहराई में वो थोड़ी सी हवा ही, मुट्ठी भर रेत फेंकने से जो थोड़ी सी हवा है वो ही उस चेलवांजी को राहत दे जाती है। और ये इतना कठिन काम है वास्तव में, तो कहीं कहीं तो ईंट की चिनाई करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ईंट की चिनाई करना पॉसिबल नहीं होता,
वहां की मिट्टी जो है वो ईंट को नहीं पकड़ पाती है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग, जहां पे ईंट को या कोई कम गहरी है, कम व्यास की है, तो वहां ईंट की चिनाई संभव नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग, तब वहां कुई को रस्से से बांधते। तब वो लोग क्या करते हैं, रस्सी लेते हैं और उस रस्सी को समझ लो ऐसे गोल 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 पूरे कुएं में चिनाई कर देते हैं, उसका प्लस्तर कर देते हैं। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। यानी खीप एक प्रकार की घास होती है जिसके रेशों को बटकर रस्सी बनाते हैं। तो वो जो घास है वो खूब सारी इकट्ठी करके पहले ही कुएं पर ऊपर रख लेते हैं वो लोग। पहले दिन कुई खोदने, हाँ, फिर उसके बाद चेजारो खुदाई का काम शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। ऊपर खड़े लोग जो होते हैं वो उस घास से रस्सी बनाने लगते हैं, 3 अंगुल मोटी, इतनी मोटी रस्सी बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरे होते हुए कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इस तल पर दीवार से सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। यानी जब बिल्कुल गहराई इनको जितनी खोदनी है खोद ली कुई, फिर उसके बाद रस्सी जो बट के ऊपर से लटकाते हैं तो वो नीचे तले से बिल्कुल डीप नीचे से वो लोग ऐसे गोल गोल, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, वैसे वैसे ही गोल गोल घुमाते हुए ऊपर तक ले आते हैं। तो इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया, इसके बाद दूसरा, कट गया। तो तले पर वो दीवार पर, तले की दीवार पर यानी नीचे की तरफ से आते हुए वो लोग रस्से को गोल गोल, पहला गोला बिछाया जाता है, फिर पहले राउंड हो जाता है तो दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करते करते ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना मोटा खुरदुरा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। हाँ, तो खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अभी इतनी खुरदुरी होती है रस्सियां कि ये आपस में एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं, हिलती नहीं है, फिसलती नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा ऊपर तक कुएं को ये रस्से से बांध देते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब फिर आगे और खुदाई करते हैं तो जहां तक चिनाई की थी उसको नीचे सरका देते हैं और फिर ऊपर तक चलते जाते हैं। तो जहां पे बीच में ज्वाइंट आता है, जोड़ आता है, वहां पर ये चिनाई कर देते हैं ताकि वो मिल जाए, बीच में खराब ना हो। अगले दिन, हाँ, ये हो गया। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई के रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने में लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी कि एक छोटे से घेरे को बनाने के लिए भी काफी लंबे रस्से की जरूरत होती है। तो इस तरीके से 1 हाथ की गहराई के रस्से में 8-10 लपेटे खप जाते हैं। यानी 1 हाथ गहरी कुई खोदनी है तो आज 8-10 घेरे आपको रस्सी के चाहिए। और इतने में ही रस्सी की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सी बांधना पड़े तो रस्सी की लंबाई 4,000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। यानी जो लोग पहली बार देखते हैं ये काम, उनको तो समझ में नहीं आता यहाँ कुई खोदी जा रही है कि रस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारा रस्सा चाहिए होता है उसको लपेटने के लिए, है ना। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही, लेकिन रेजानी पहाड़ी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब मान लो कहीं पत्थर नहीं मिल रहा हो ना घास मिल रही है, मतलब चिनाई के लिए पत्थर भी कहीं अवेलेबल नहीं है और कहीं पर घास भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसी जगहों पर कुइयां बनानी है, रेजानी पानी वहां है उसे रोकना है, तो फिर बांस के लट्ठों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। ये लट्ठे अरणी, बण, कैर जिसको कहते हैं, बावल या कुंभट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं, यानी जो यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं उन पेड़ों की मोटी मोटी लकड़ियों के तनों से ये लट्ठे बनाए जाते हैं। इस काम के लिए उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, यानी सबसे अच्छी मानी जाती है अरणी पेड़ की लकड़ी, और उम्दा मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आंख तक से काम ले लिया जाता है। अच्छा, अगर उम्दा लकड़ी नहीं मिलती तो आंकड़े का पेड़ या आंख का पेड़ होता है उससे भी ये लोग काम चला लेते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर लिए जाते हैं। अच्छा, लट्ठे तो लंबे लंबे होते हैं, बांस की बल्लियां होती है ना जैसी, वैसे बना के ये लोग लंबे लंबे खड़े कर लेते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है, फिर इन रस्सों को ये रस्सी से बांधते हैं। जैसे मुड्ढे देखे होंगे ना आपने, मुड्ढे भी सरकंडे बंधे होते हैं ना रस्सियों से, ऐसे बांध देते हैं ये लोग। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यहाँ बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसे इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी बांधना ऐसे गोल 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 रस्सी को, बांसों को बांधे रखने के लिए कि गिरे ना सब, तो उनको रस्सी से बांधा जाता है। अब आ जाओ पेज नंबर 16 पे। अगर पेज नंबर देखो, पेज नंबर 16 पे अगर चित्र देख रहे हो आप, देखो इस चित्र में देखोगे ये व्यक्ति जो है वो रस्सा जो है वो रस्से से कैसे कुएं में लपेट के रस्से से कुएं बना रहा है ना। और अगर पेज नंबर 17 पे आओ तो यहाँ चित्र में देखो आप कैसे लकड़ी के लट्ठों को सेट कर दिया है कुएं के चारों ओर, ताकि मिट्टी जो है वो धसे नहीं। नए लोगों को तो ये समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता। अच्छा, कब तक खुदाई करता है वो? जब तक खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं आ जाती तब तक वो खुदाई करता रहता है, और जब मिट्टी की उसको परख होती है जहां उसको खड़िया पत्थर आ गया वहां वो रुक जाता है खुदाई करना। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं, और इसी क्षण जो काम की धार तेज हो जाती है चेजारो जो है वो ऊपर आ जाता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। कुएं की सफलता यानी उसमें जल आ गया, और ये अपने आप में अच्छा, ये जब बिल्कुल कैसे जल आ जाता है, क्योंकि वो पत्थर है और पत्थर की पट्टी पे जो नमी है वहां पानी आ जाता है, तो वहां पर जैसे ही पानी की धार आ गई, खड़िया पत्थर आ गया और उसके ऊपर पानी की धार दिख गई, तो समझो काम पूरा हो गया। फिर उसके बाद ये लोग ऊपर आ जाते हैं और फिर ये पानी आ जाना इनके लिए एक उत्सव हो गया। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखने की यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। वैसे तो जो काम करते हैं खुदाई उनका पूरा ध्यान रखते हैं पूरे खोदने के वक्त, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो एक विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उस दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। पहले क्या होता था, गांव में जो ये कुएं खोदने वाले थे ये बहुत खास माने जाते थे, तो काम पूरा होने पे तो पूरा त्योहार जैसा फंक्शन जैसा आयोजन होता था। फिर उसके बाद पूरे साल भर के जितने भी त्योहार होते थे, जो जो त्योहार आए हर त्योहार पर उनके लिए भेंट होती थी। फसल उगी, फसल में अनाज में उनका भी एक हिस्सा होता था। किसी के घर शादी ब्याह कुछ भी हुआ तो उनके घर जरूर जाता था। तो ये एक परंपरा थी जिसका नाम है आज प्रथा। क्या कहलाती है ये? आज प्रथा, जिसके अंतर्गत साल भर वो सम्मानित करते हैं, ठीक है। लेकिन
अब आजकल लोग मजदूरी देकर यानी कि पैसा देकर ये काम करवाने लगे हैं। पहले इस तरीके से उनको दिया जाता था सम्मान। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विशेष तरह की खुदाई करने वाले लोग ही, चेजारों लोग ही खोद सकते हैं और कोई नहीं खोद सकता, ऐसा नहीं है। अब आजकल सामान्य गृहस्थ यानी सामान्य लोग भी ये खुदाई का काम करने लग गए हैं, वो भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन गए हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवाल, जो कि अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, मेघवाल ये लोग भी अपने हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। यानी पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों ने भी कुइयां खोदनी शुरू कर दी थी अपनी अपनी, तो इनकी बनी कुइयां आज भी 100 सालों से लगातार चली आ रही है और आज भी पानी उनमें मिल रहा है। कुई का मुंह छोटा रखने का 3 बड़े कारण है। अब इस कुई के मुंह बड़े छोटे होते हैं, तो क्यों ऐसा है? उसका कारण है 3 बड़े कारण जो बता रहे हैं, वो सुनो। पहला, रेत में जमा नमी से पानी की बूंद बहुत धीरे धीरे रसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। यानी ये जो बूंद गई है नीचे धरती में, वो इतने धीरे रिसती है कि नीचे तले में पट्टी तक केवल 2-3 बाल्टी पानी ही इकट्ठा होता है। एक कुई में एक दिन में 2-3 बाल्टी पानी ही मिल पाता है या घड़ा, है ना। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा कुई का मुंह चौड़ा रखेंगे तो क्या होगा कि वो तो धरती में हवा सूर्य की गर्मी से ही उड़ जाएगा धरती में, तो कुई का मुंह छोटा रखते हैं ताकि जो धरती के अंदर का पानी है वो उड़े ना। ठीक है, एक ये कारण हो गया। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण किया जाता है। चलो बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पैराग्राफ फिर से पढ़ा दूंगी मैं, पेज नंबर 17 पे फोल्ड कर लो, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहां से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, रीड लेसन, और मैं ये कराने के बाद सेकंड चैप्टर हो जाएगा ना जब, तो उसके बाद सेकंड और फर्स्ट दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी, ओरल एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप कर लेना कॉपी में, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास बुक आ गई है, मैंने बुक ले ली है गाइड बुक, जिससे मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय। ठीक है, आज का होमवर्क यही है, लेसन पूरा रीड करना और अपने आप फाइंड आउट क्वेश्चन करना, बाकी तो फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगी। ओके चलो बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपस में बात हो जस्ट फाइंड थ्री स्टूडेंट एट प्रेजेंट। देयर वाज सेवन ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 9। हमारा डिस्कशन हो चुका है। मैम ने आपको एक्सरसाइज सेंड कर दी थी। ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। यस, हैव यू कंप्लीटेड दैट वर्क विद एवरीवन? मैम ने आपको एक्सरसाइज भेज दी थी ना चैप्टर नंबर 9 की। गुड मॉर्निंग। नोबडी इज रिप्लाइंग मी बेटा। ओके ओके, आज हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है बेटा इस चैप्टर नंबर 9 में। 65 पेज नंबर, ओपन पेज नंबर 65। आई गिवन यू होमवर्क टू डू द मैप ऑन पेज नंबर 11। हैव यू कंप्लीटेड दैट वर्क एवरीवन? मैत्री ने बोला है कि उसने कर लिया है, मैप कर लिया है। सबने अपना मैप कर लिया बेटा? यस और नो बेटा? जिसने नहीं किया हो बेटा, मैप कंप्लीट करना है पेज नंबर 11 पे। जो फिजिकल मैप है वो आपको कंप्लीट करना है सबको। ओके, और उसके बाद आज हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे कि और बच्चे भी अपन को कनेक्ट करें। अभी आप लोग 5-7 जने ही हैं। सो लेट अस वेट फॉर 5-3 मिनट्स मोर। स्टार्ट द लास्ट पार्ट दैट इज ऑन पेज 5। ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 65, लास्ट पैराग्राफ। वी वर ऑन लास्ट पैराग्राफ। तो ऑन करे छी देती उन डीजे को माचे हो में रिकॉर्डिंग वारो। ओपन पेज नंबर 65 एवरीवन। ओपन पेज नंबर 65 बेटा। आई एम वेटिंग फॉर अदर चिल्ड्रन दैट दे कनेक्ट अस। ओके, 2 मिनट हम रुक जाते हैं ताकि उन लोग भी कनेक्ट हो जाए हमसे बेटा, ताकि हम क्लास ऑन कर अपने स्टार्ट कर सके। अभी तक मेरे पास सिर्फ आई हैव 7 चिल्ड्रन। वन इज रिद्धिमा, निर्जा, मैत्री, रिजोल एंड अविका। सो लेट इवन गुंजन एवरीवन कनेक्ट विद अस बेटा। Yeah, I told your name, Vita, Nirja, Maitri. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 65 ओनली लास्ट टॉपिक वॉज रेड लेफ्ट बेटा। गुड मॉर्निंग गुंजन। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 65। The mineral resources on the earth are non-renewable. अभी जो mineral resources जो earth पे है बेटा, वो non-renewable resources है। क्यों?
हाउसेस को वापस बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स, इट वुड टेक मिलियंस ऑफ, नॉट थाउजेंड, इट इज मोर देन थाउजेंड, दैट इज मिलियंस ऑफ इयर्स इट वुड टेक टू अगेन रिन्यूएट इट. ओके, वो चीज वापस बनने में सालों, हजारों साल निकल जाएंगे बेटा. इस वजह से मिनरल्स ऑन द अर्थ जो अवेलेबल है, कोल है बेटा. ओके 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 मैथ्री, आई कांट ऑन योर ऑडियो बेटा. किसी भी बच्चे का ऑडियो कैमरा ऑन करना हमें अलाउड नहीं है बेटा, सो आई कांट डू दैट. ओके, इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी थिंग टाइप इट चैट, ओके, एंड आई वुड रिप्लाई यू. सो दिस रिसोर्सेज जो हम अर्थ पे हमें मिलते हैं बेटा, जैसे कि है कोल है, पेट्रोलियम है बेटा, ये हम यूज अभी करते जा रहे हैं, अभी हमारे पास है, वी हैव अ स्टॉक, बट इफ वी यूज इट विदाउट एनी थिंकिंग, हम ऐसे ही खपत करते जाएंगे तो बेटा, क्योंकि इसको वापस रिन्यू होने में, या तो रिन्यू नहीं भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं कि वो रिन्यू हो जाए, हो सकता है कि वो रिन्यू नहीं हो, तो इट वुड एग्जॉस्ट, यू वोंट हैव, आने वाली जनरेशन के पास पेट्रोल नहीं होगा, तो ये जो महंगी महंगी 50 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी जो खरीदते हैं लोग, वो क्या होगी, वो तो एक खिलौना की तरह पड़ी रहेगी, बिकॉज इफ यू डोंट हैव पेट्रोल हाउ यू वुड ड्राइव इट विदाउट पेट्रोल. सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल एंड एवरी मिनरल्स विच आर अवेलेबल. नहीं आई? ओके, यू शुड यूज इट वेरी, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है बेटा, हर एक चीज बहुत काम की है, चाहे छोटा सा पत्थर ही हो, कंकर भी हो, वो भी काम का होता है. जब मकान बनता है बेटे, तो कंकर सीमेंट मिट्टी मिला के आपका मकान कंस्ट्रक्ट होता है. सो व्हाट एवर नेचर इज गिवन यू, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वन यूज्ड अप दे विल नॉट बी अवेलेबल टू अस एनी मोर. एक बार हम इसको यूज कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो ये दोबारा नहीं मिलेगा हमको. Minerals such as coal and petroleum, which give us fuels for providing energy, are being used up rapidly. अब हम लोग coal है, उसी तरह petroleum है बेटा, ये हमारे fuels हैं, right? They are fuel. उसकी वजह से हमें energy मिलती है, और हम लोग इसको बहुत ही जल्दी जल्दी यूज कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. You should not waste. क्योंकि पेट्रोल, अगर आप ट्रैफिक लाइट आप देखते हो कि रेड सिग्नल हो गया है आपके पहुंचते, तो आपको तुरंत अपनी गाड़ी बंद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में अगर हम ऐसे, मैथ्री पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज, मुझे किसी की रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करनी है, मैं ऑडियो ऑन नहीं करने वाली हूँ. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस थिंग्स, वी आर नॉट अलाउड टू ऑन योर ऑडियोस एंड कैमराज. Just pay attention what I'm teaching you. So you should take care. लाल बत्ती पे अपन खड़े हैं, करना चाहिए अपनी गाड़ी को, क्योंकि हम दिन में, पूरे दिन में जब अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, तो हमको दिन में 15-20 बार स्टॉप करना पड़ता है रेड सिग्नल पे. तो उस समय अगर हमारी गाड़ी ऑन होगी, तो हमारा पेट्रोल यूज होता है. इसी तरह एक ही एरिया से, फॉर एग्जांपल मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, मेरी एरिया में से, जैसे मैं और स्कूल के 10 बच्चे और भी इसी एरिया से आते हैं, या चलो 4 ही बच्चे आते हो, मैं अपनी कार से आती हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो वॉट इज माई ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और उन फैमिली के बारे में सोचना, अपने बारे में, कि मैं उनसे कहूँ कि कम एंड कम टूगेदर विद मी, हम सब कार एक ही साथ कार में चलते हैं, तो एक ही पेट्रोल यूज होगा, सब जने उसी जगह पे अपन पहुंचेंगे. सो दिस इज अ गुड थिंकिंग बेटा, कि हम लोग को ऐसे अपने देश की नेचर रिसोर्सेस को सेव करना चाहिए. ठीक है, उस जैसे कि अभी जैसे हम लोग कैब करते हैं बेटा, अभी बहुत अच्छा ऑप्शन निकला है ओला वालों ने, और ये जो कैब उबर कैब्स ने, व्हाट दे हैव स्टार्टेड कार पूलिंग. व्हाट इज कार पूलिंग, दैट दे टेक पैसेंजर वन देन मोर. आपको भी उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे भी उसी जगह जाना है जो बीच में पड़ते हैं, वो शेयर अवर फेयर, वी वुड शेयर अवर फेयर. तो हो सके तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा यूज करना चाहिए, खुद का व्हीकल ले जाने से अच्छा होता है बेटा कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है, पेट्रोल भी देश का बचता है. जब हम सब इसी सोच के वाले रहेंगे, तो आने वाली जनरेशन को मिनरल रिसोर्सेस कम नहीं पड़ेंगे.
राइट, उनके लिए भी मिनरल रिसोर्सेज होंगे, और चाहे यूज भी हो जाए तो वो मिनरल रिसोर्सेज को अर्थ में अंदर टाइम मिलेगा उसको बनने में मिलेगा, राइट, और हम जल्दी जल्दी यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे. सो यू शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे पापा है और नेबर है, दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं या ऑफिस पास मास में है, तो व्हाट वी दे शुड डू अवर पेरेंट्स इवन, कि हम लोग बोले कि 15 दिन मैम मैं गाड़ी उठा लूंगी, 15 दिन आप ले लेना, तो 15 दिन मेरा पेट्रोल यूज होगा, 15 दोनों एक ही जगह भी पहुंच जाएंगे, दोनों की सेविंग भी हो जाएगी और देश का पेट्रोलियम भी सेव हो जाएगा. ओके, so this is the thinking how you can save and help your own country. क्योंकि जितना आप खपाते हैं और अगर देश को कम पड़ता है तो इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आप लॉकआउट कहाँ हुए हो एक भी बार बेटा. आई कैन सी यू ऑन द चैट मैत्री, आप तो शुरू से ही मेरे साथ चैट में हो. आई कैन सी योर नेम बेटा. ओके ओके, डजंट मैटर नाउ. Now you are logging now, beta. So you should take care. You should think about our country. क्योंकि जितना अपन चीजों को import करेंगे बेटा अपने देश में बाहर से लाएंगे तो उतनी हमारे देश की currency use होगी और जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा देश फिर नीचे आता जाएगा बेटा. People would start living more than below poverty line. जैसे जैसे हमारे रुपए की कीमत कम होती जाएगी बेटा, उतना देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. तो हर सिटीजन का बेटा, ये एक दो लोग मिलके नहीं कर सकते बेटा, जब सब लोग अपनी सोच को चेंज करेंगे बेटा, सब लोग अपने देश के, अपने परिवार के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अगर हर एक इंसान सबसे पहले अपने परिवार के लिए सोचे, फिर अपने आसपास नेबर के बारे में सोचे, उसके बाद अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे, उसके बाद अपने स्टेट के, तो एक दिन हो जाएगा कि हमारा देश भी, और आज भी हम कामयाब हैं पर और आगे कामयाब हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन, वी शुड यूज दिस रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्ट देम. कोई भी चीज हो, चाहे पानी हो, खाना हो, कुछ भी हो, उसको वेस्ट नहीं करना है हमें. आपको खाना जितना चाहिए, जितनी जरूरत है आपको, आपको लगा है कि आज मेरा स्टमक फुल है, आई कांट ईट सो मच, तो मम्मी जब ले आती है उसी समय सबसे पहले निकाल लेना चाहिए ताकि जूठन नहीं जाए बेटा, कुछ भी जूठा नहीं जाए बेटा. यू नो द कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ अवर कंट्री इज वेरी मिजरेबल बेटा. दिन बे दिन वो जितने गरीब तो पहले से हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं. द रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक तो उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका मिसयूज होता है, दे डोंट गेट द रियल वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स दे हैव ग्रोन, द कल्टीवेशन का सही दाम नहीं मिलता है. रोज कानून नए नए बनते जाते हैं जो उनको और दबाती जा रही है. तो उनकी मेहनत के बारे में सोचकर, हार्ड वर्क के बारे, यू शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल दाना. ओके, एक छोटा सा चावल का तिनका भी आपको, हमें अलाउड नहीं है वेस्ट करना. वी शुड नेवर वेस्ट बेटा. अगर आपके घर में खाना मम्मी बनाती है, एनी टाइम इट इज सेम डेट ना, हम लोग एकदम वो ऐसे तो नहीं बनाते क्वांटिटी में कि हम 5 जने तो उतना खाया फिर कुछ भी नहीं बचता है, थोड़ा तो बच ही जाता है रोज अपने पास. तो आप अपनी मेड को दे दीजिए बेटा, उसको अपने घर में बिठा के प्यार से खिलाइए. ओके, बट डोंट थ्रो इट. To save this mineral, we should depend more on sources of energy that will never get used. For example, solar and wind energy. अब ये minerals बेटा खत्म नहीं हो जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी energy पे depend करना जो कभी खत्म नहीं होगी. For example, solar energy. Solar energy किससे बनती है? सूरज. सूरज तो रोज निकलेगा ही निकलेगा बेटा. आजकल आप देखो, हम लोग जैसे विंटर्स आती है बेटा, तो हाउ वी हीट अवर वाटर, या तो इमर्सन ड्रॉट से अपन करते हैं गर्म पानी, या आप अपना गीजर ऑन करते हो. गीजर ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, राइट. इमर्सन ड्रॉट यूज करते हो तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. ओके ओके कृतिका, डजंट मैटर बेटा, कभी कभी होता है कनेक्ट नहीं हो पाता है. ओके, सो यू शुड डिपेंड मोर ऑन सोलार एनर्जी. सूरज की जो अभी आजकल लोग अपनी टंकियों के ऊपर सोलार पैनल लगवाते हैं बेटा, ऐसे हमारे कई स्टेट्स हैं बेटा, वहाँ मेगा किचन्स चलते हैं.
मेगा किचन्स यहाँ हजारों लोगों के लिए खाना रोज बनता है, वहां पे वो खाना कैसे प्रिपेयर करते थे, वो मेक ऑन सोलार प्रेशर कुकर, बहुत सारी चीजें सोलार एनर्जी पर अवेलेबल है। उसी तरह विंड एनर्जी, विंड से भी बेटा जो विंड मिल होती है दे आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सो यू शुड मोर सेव दिस वे। आपको कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम जो मिनरल रिसोर्सेस हैं उनको यूज करें, और जो नेचुरली सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ऐसे यूज करें, रूम में से बाहर निकल घर अपन इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। एक तो अपना बिल भी कम आएगा और सरकार की लाइन भी बच जाएगी। ओके, वी आर ऑन पेज नंबर 65, कृति का अपना चैप्टर खत्म हो चुका कृति का। ओके, सो वी शुड मोर डिपेंड ऑन सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी। आप तो गांव में चले जाए तो जो सुना होगा बायोगैस, ठीक, इट इज मेड फ्रॉम द काउ डंग, काउ डंग जो एनिमल्स का होता है, उससे दे आर परफॉर्मिंग, और उससे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी, डजेंट मैटर मोहित, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इवन फ्रॉम दैट। तो गांव में तो ऐसे लाइट बिजली सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है बेटा। गांव में अभी भी जाओ तो काउ डंग के उपले जो बनाए जाते हैं उसपे खाना पकाया जाता है। एंड ट्राई टू इवन यूज सोलार पैनल। इसके अलावा घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करना सीखो बेटा। जहाँ पे जिस रूम में अपन बैठे हैं तो वहां सब ज्यादातर कोशिश करो कि एक ही रूम में दो तीन मेंबर्स बैठ जाए, ताकि दूसरे रूम में आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी फैन नहीं ऑन करना पड़े, जिसकी आपको बेनिफिट आपको भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा। ओके, सो हियर अवर चैप्टर इज ओवर ऑफ नेचर रिसोर्सेस, एंड इट इज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स अ ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम अपने नेचर रिसोर्सेस का ध्यान करें। आप नेचर का ध्यान रखेंगे तो नेचर आपका ध्यान रखेगी बेटा। अभी जो बीमारी आई है जिसकी वजह से हम लोग सब सफर कर रहे हैं, वॉट इज द रीजन? बिकॉज वी डोंट केयर फॉर नेचर, राइट? हम किसी का केयर नहीं करेंगे तो कोई हमारा क्यों करेगा, राइट? इट इज ऑल्टरनेटिव, जितना देते हैं उतना मिलता है, राइट, रिटर्न में। तो यू शुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। चाहे मम्मी पापा आपको स्टेशनरी दिलाते हैं तो स्टेशनरी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट? कई लोग तो बच्चे रोज पेंसिल गुम कर देते हैं, इरेजर गुम कर देते हैं, बट दैट ऑल कम फ्रॉम विद मनी बेटा। ओके, सो टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, हेल्प योर पेरेंट्स इन दिस वे बाय ओबेइंग देम। एंड नाउ आई रीड द आई नाउ नो, ओके, ताकि अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाए। मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ पूरा चैप्टर। नाउ व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस? रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो है जो कभी खत्म नहीं होंगे, या तो खत्म हो या कंटिन्यूअसली वो बनते जाएंगे। ओके, सो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस किसको कहते हैं? जो रिसोर्सेस अभी तो है पर आगे चल के खत्म हो जाएंगे, और उसको वापस रिन्यू होने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे उसको, मिलियंस ऑफ इयर्स टू रिन्यू, सो इट कैन नॉट बी रिन्यूडेड। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं उसको। थर्ड वन इज, व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज सॉइल। Now, water is a natural resources. Now, what is water? Water एक नेचर रिसोर्सेस है, बहुत एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान करके यूज करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ यू हैव इन द वर्ल्ड लेस देन 3% फ्रेश वाटर, 3% से भी कम है पूरे अर्थ पे, तो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, बट ओनली 3% यू हैव लेस देन 3%, 2.97% ही फ्रेश वाटर है, जिसकी वजह से आपको पीने के पानी, हर पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक बड़ी लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जिस इज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स एंड हर्ब्स। ओके, एंड यू शुड नॉट कट दिस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कटिंग नहीं होना चाहिए। अगर एक पेड़ काटना भी पड़ता है किसी मजबूरी की वजह से, किसी कारण की वजह से, तो उस जगह आपको तीन चार और नए पेड़ लगाने चाहिए, और एक अपने मन में एक संकल्प ले लेना चाहिए कि हर जन्मदिन पे, आपका जब भी बर्थडे आता है, तो यू शुड प्लांट वन ट्री। चाहे अपने घर के बाहर ही लगाओ, किसी गार्डन में लगा के आओ,
और उसको लगाओ जरूर से, और लगा के छोड़ना नहीं है, फिर उसको रोज जाके थोड़ा पानी भी डाल के आना है ताकि वो बड़ा हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक यानी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, पीपल हु कीप डोमेस्टिक एनिमल्स एट होम, सो इवन इट इज अ नेचर रिसोर्स फॉर ह्यूमंस। नाउ मिनरल रिसोर्स आर नेचर रिसोर्सेस व्हिच आर यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स। अनफ्रेश वाटर नहीं है बेटा, अनफ्रेश नेचर 71% पानी है बेटा, पर 3% फ्रेश वाटर है, दूसरा अनफ्रेश नहीं है बेटा, दूसरा सॉल्टी वाटर है, क्योंकि ओशन का सी का पानी कैसा होता है बेटा, नमक वाला। अपन नमक का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। अपन प्लांट्स को डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि प्लांट्स भी मर जाएंगे। अपन एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी जल जाएगी सारी। किसी चीज में ज्यादा नमक होता है अपन खाते हैं? नहीं खा सकते ना बेटा। तो सेम इज फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉल्ट इज हार्मफुल। ओके, सो फ्रेश मैम के कहने का मतलब पानी तो खूब है बेटा हमारे अर्थ पे, 71%। आप ग्लोब को देखो, ग्लोब में आपको लैंड फॉर्म कितना दिखता है बेटा? लैंड फॉर्म कितना होता है? 29%। जमीन, आइलैंड, सब कुछ मिला के 29% है बेटा, 71% तो पानी है, राइट? जिसमें पीने लायक, इरिगेशन के काम आने के लायक, हमारे काम आने के लायक कौन सा है बेटा? दैट इज फ्रेश वाटर। तो वो कितना है बेटा? 2.97%, राइट? इतना कम, चाहे रेनफॉल हो जाता है बेटा, पर वो समुद्र में पानी मिक्स होता है, तो वो समुद्र का पानी तो खारा होता है बेटा, और खारा पानी तो हमारे काम नहीं आता है बेटा। आप घर पे ही देखो, आपने कभी, आपके घर में आयरन है बेटा? आयरन, यू हैव अ आयरन विद दिस ऑफ स्टीम, कभी आपने देखा उसके नीचे व्हाइट व्हाइट डॉट हो जाते हैं? वो क्या होता है? काल होता है बेटा, पानी में जो सॉल्ट होता है। ओके, दैट इज अ सॉल्ट, जिसको हम काल बोलते हैं हिंदी हिंदी में। तो वो अच्छा नहीं होता है बेटे, यू कांट ड्रिंक इट, हाउ कैन यू वाटर इट विद प्लांट्स और यूज फॉर इरिगेशन, यू कांट डू इट। देन फ्यूल सच एज पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। अब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है और कोल है, ये सारी क्या है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो दोबारा बनेंगे, पर उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, राइट? हम नहीं जिंदा रहेंगे, हमारी आने वाली कितनी पीढ़ियां भी नहीं रहेगी, उसके बाद जाके शायद बने, राइट? सो दिस आर नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आई होप सबको चैप्टर समझ में आ गया बेटा। कोई प्रॉब्लम है बेटा? यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी बेटा। किसी को कुछ पूछना है बेटा चैप्टर के बारे में? सो लेट अस स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज, दैट इज ब्लैंक बेटा। सब लोग पेज नंबर 66 पे आ जाओ। मैम आपको फोटो सेंड करेगी एक्सरसाइज की, अभी सिर्फ आप डिस्कशन में साथ दीजिए। ओके, नो मिमेंद्र, एवरीबडी इज एबल टू हियर मी? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी बेटा? गुंजन, यू हैव टाइप इट रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ प्रॉब्लम बेटा, PRO होता है बेटा। ओके, आपने भूल से ही कर दिया है। Now first blank, plants get dash and dash from soil. Plants को क्या मिलता है soil में से बेटा? हम plants जो soil में हम गमले में लगाते हैं बेटा। 66 कनिष यादव, so what you get in a plant doesn't matter गुंजन, नो मैटर बेटा, मेरा काम है बेटा कि आपको पॉइंट आउट करना बेटा। ओके, नाउ व्हाट, प्लांट्स गेट डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल, देन प्लांट्स गेट पानी, हम पौधों में पानी और मिट्टी में क्या होता है बेटा? मिनरल्स। सो प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, व्हाट दे गेट? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट लिखना है बेटा, सिर्फ मिनरल्स नहीं लिखना है बेटा, मिनरल सॉल्ट फ्रॉम सॉइल। सो प्लांट्स गेट डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल, दैट इज वॉटर एंड मिनरल सॉल्ट। सेकेंड वन, सनलाइट इज अ डैश नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट कैसा नेचुरल रिसोर्स है बेटा? रोज सूरज डूबता है, रोज सूरज निकलता है, रोज डूबता है, रोज निकलता है,
सो सनलाइट इज अ डैश नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ रिन्यूएबल, ठीक है, इट इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. अब एक बड़ा फैक्ट है सन का बेटा, ना सूरज कभी डूबता है ना उगता है बेटा, सूरज तो अपनी एक जगह पे ही होता है. ओके, इट इज वी पीपल फ्रॉम द अर्थ, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, एंड इट इज वी वी सी फ्रॉम अर्थ द सन, सो वी फाइंड दैट सन इज राइजिंग एंड सन इज सेटिंग. बट इफ साइंटिफिकली इफ यू थिंक सन नेवर राइजेज नेवर इट sun never rises never sets, it is at the one place only. Okay, third one, coal, petrol and diesel are known as dash. Coal, petrol or diesel kaise resources hai beta, which type of resources it is, abhi ma'am ne bataya, wo abhi apan ne last mein hi complete kiya. Coal, koila, petrol और डीजल, ये कैसे रिसोर्सेज है बेटा, मैथ्री मैं सेंड करूंगी फोटो एक्सरसाइज की. दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ओके, इवन मैथ्री इज रिटन एज फ्यूल, आर नोन एज फ्यूल्स, देन यू कैन इवन राइट डाउन कोल, पेट्रोल एंड डीजल आर नोन एज फ्यूल्स. दोनों आंसर राइट है बेटा, अगर आप फ्यूल भी लिखते हो तो भी राइट है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिखते हो तो भी राइट है, बिकॉज ये तीनों चीज फ्यूल है बेटा, तो हम फ्यूल भी आंसर आ सकता है इसका, और इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी आ सकता है. ओके, नेक्स्ट वन, डैश आर हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स. Dash are hard and shiny substance obtained from minerals. सबसे चमकतीदार कौन सा है बेटा, क्या चमकता है, मम्मी पहनती है रिंग में, नो नो बेटा, डायमंड, डायमंड आएगा बेटा उसका आंसर. डायमंड्स आर हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, डायमंड आएगा आंसर बेटा. ओके, निर्जा मेटल नहीं आएगा बेटा, इट इज डायमंड. डायमंड चमकता भी है और वो हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मिनरल में कौन सा होता है, दैट इज डायमंड. सो डायमंड इज द राइट आंसर. नाउ द लास्ट वन, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल डैश. पेट्रोल और डीजल कौन से मिनरल से ऑब्टेन होता है, तो उसका आंसर है पेट्रोलियम. You get petrol and diesel from petroleum. So petroleum is the right answer. I would send the photo to you, so you don't worry for that. Okay? मैं आपको answer send करूंगी और आप उसको कर देना. Kanish, you are a new boy, the student in the class. Kanish Yadav, आप नए बच्चे हो क्या class में? Yes, so yes beta, so have you completed your, all your pending work beta up to chapter number 8? Kanishji, aapne sara kaam complete kar diya chapter number, ma'am ne to 8 chapter kara chuki ma'am. No, so you take from any student beta, aapko jo jitne bhi students chat pe dikh rahe na beta, आप किसी को भी रिक्वेस्ट करेंगे, सारे ही अच्छे बच्चे हैं बेटा, सारे आपकी हेल्प कर देंगे बेटा. एक एक चैप्टर मंगवा के बेटा बच्चों से, और आप अपना काम कंप्लीट कीजिए. ओके बेटा, आप किसी को भी करेंगे बेटा, सारे ही अच्छे बच्चे, देखो आपको चैट में जो भी दिखते हैं ना, आप उनको एक मैसेज करेंगे ना, दे वुड सेंड यू, यू सेंड योर नंबर ऑल्सो टू देम. ओके, दे वुड हेल्प यू बेटा, बट कंप्लीट योर वर्क, because now you would be having your half yearly in October, so complete your work. और मेरी तरफ से कोई help चाहिए आपको तो I'm always ready. Okay बेटा, okay, help him everybody. Okay बेटा, whenever he calls you or he needs any notes, please send him. Okay, so I take a leave from all of you, and I would be sending you the exercise today, and have a nice day everyone बेटा. Bye everyone.
I have another class, beta.